मुंबई में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मंदी की बात को खारिज किया, कहा अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे समेत कई नेता होंगे शामिल, बॉलीवुड स्टार भी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में रखेंगे अपना पक्ष। दो दिन में होगा शिवसेना बीजेपी की युति का ऐलान, उद्धव ठाकरे बोले युति पर दोनों दलों में शुरू हो चुकी है चर्चा। राम मंदिर पर बयानबाजी नहीं करने की पीएम मोदी की हिदायत पर बोले उद्धव ठाकरे, किसकी बात कर रहे थे मोदी, मैं नहीं जानता। नासिक में पीएम मोदी ने कहा था कि बयान बहादुर और बड़बोले राम मंदिर पर दे रहे हैं बयान, जबकि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है केस की सुनवाई। प्याज के दामों में भारी उछाल, 60 रुपए प्रति किलो तक मुंबई में हुआ प्याज का दाम, हाल में महाराष्ट्र में आई बाढ़ है वजह। फिर पानी पानी हुई मुंबई, लगातार बारिश के बाद गांधी मार्केट समेत कई अन्य इलाकों में भी भरा पानी। मुंबई के हिंद माता इलाके में भी भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल। मुंबई में बारिश की, लोकमान्य तिलक मार्ग पर हादसा, ढही इमारत, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मुंबई से सटे नाला सोपारा में गोल्ड लोन देने वाली एक कंपनी में लूट, सीसीटीवी में कैद हुए 6 लुटेरे, जांच में जुटी पुलिस। बुलढाणा में एक घर की दीवार ढहने से गर्भवती महिला समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी। अर्थव्यवस्था में सुधार के उपायों से सेंसेक्स की 10 साल की सबसे बड़ी छलांग, 1921 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 38,014 पर बंद। एक ही दिन में सेंसेक्स ने निवेशकों की पूंजी में किया 7.5 लाख करोड़ का इजाफा, एक घंटे में मार्केट कैप में 5.5 लाख करोड़ की बढ़ोतरी। मजबूत रुपए से सोना 170 रुपए की गिरावट के साथ 38,390 रुपए प्रति तोला, चांदी में 120 रुपए की कमी। आरबीआई ने फरवरी में ही लगा दिया था आर्थिक सुस्ती का अंदाजा, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आरबीआई गवर्नर का दावा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।